तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल हैं? आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पे। तो गाइस, आज संडे तो नहीं है पर ये ब्लॉग आप संडे को देख लोगे। तो अभी शुरू करते हैं। और अभी क्या कहते हैं, दोपहर के 1 बज चुका है, तो अभी तो मैं सिर्फ खाना खाने जा रहा था। तो चलते हैं, बाकी आज बहुत सारे काम भी हैं, आपको सब काम दिखाएंगे। आप साथ रहना और इन्जॉय करना। तो चलो रूम नंबर 1 वालों से पूछ लेते हैं, उनके साथ कभी खाना खाने जाते हैं। ओए, खाना खाने चलेगा? चल चलता हूँ, आ जा। माशे, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये अपने कंट्रोवर्सी वाले सर हैं, आप सो के उठे हैं। काफी हॉट लग रही है। मेरे ये अपने महाराज जी ने बनाई है ड्राइंग, बैठे बैठे खाली बैठे थे। ड्राइंग तो तेरी मस्त है यार, नीचे सिग्नेचर है क्या तेरे? वाह, डंडे का सिग्नेचर सही है यार। ये तो ये अभी नहीं है, टाइम पास के लिए। हाँ, ये फ्री हैंड स्टाइल है। कभी इसकी बनाई हो ना, ये जो बैठा चिमकांडी। अरे चेहरे मेरे नहीं बनते ऐसे। तभी तो कह रहा बना। इसका कौन सा चेहरा है? है इसका चेहरा? चेहरा कहाँ तेरा? तेरा अरे गोल गोल टमाटर बना दो, बन जाएगा। अरे टमाटर की बेइज्जती करा दे हम। तो अभी तो इनको बुलाने आया था कि खाना खाने चलते हैं, ये कह रहे चलो चलते हैं। और महाराज जी को पता ही नहीं कि उन्होंने ब्रश किया भी कि नहीं। एक ये और इसका जो है मूड ही नहीं है, ये चिमकांडी का मैं जाने नहीं है। उंगली ना कर ब्रश करके आ, वो तो गया ब्रश करने, ये करेगा चलना जा ब्रश करके आ। तो गाइस, प्लान में थोड़ा सा चेंज है, मैं खाना खाने नहीं गया क्योंकि साथ वाले कह रहे थे कि फूड पांडा चलते खाना खाने, तो मैं कभी गया भी नहीं हूँ। पर उठे वहाँ पर मिलते हैं आलू के, वो खाएंगे और चाय ट्राई करूँगा। कुछ तो यहाँ पर मिलता है, वो खा के आज ट्राई करता हूँ। 50 का परोठा मिलता है और 30-40 रुपये की वजह से चाय मिलती है, वो खाते हैं। अभी जूते वगैरह पहन लूँ फिर चलते हैं। तो गाइस अभी चलते हैं फूड पांडा। ये इंडियन फूड है पर हम अभी फूड पांडा जा रहे हैं जो उधर आ गया डीन ऑफिस के, तो वहाँ चलते हैं अभी। ये है फूड पांडा कैफे, पहली बार आया हूँ तो यहाँ पे खा पी के देखते हैं, करते हैं ट्राई। तो गाइस अभी क्या कहते हैं, 3 परोठे आलू के परोठे, 3 चाय और एक आलू चाट मंगाई है। तो अभी ऑर्डर दे चुके हैं, ऑर्डर अभी आएगा, खाते हैं तो आपको दिखाएंगे, और कुछ नहीं कर सकते। आलू के परोठे ऑर्डर किए थे तो 3 परोठे और क्या कहते हैं 2 दही की चटनी आ चुकी है, और अभी वो सामान मंगाया वो भी आएगा, तो देखिए खाते हैं। और ये मेरा BTS ले रहा है स्नैपचैट पे, इसका और काम थोड़ा ना, खाता काम ही दिखाता जाता है। तो गाइस खाना पीना हो चुका है, सीधा वापस जा रहा हूँ। और अभी डीन ऑफिस थोड़ा काम है तो पहले वो कॉपी करूँगा फिर डीन ऑफिस कराऊंगा। तो गाइस अभी रूम में आ गया था और अभी ध्यान आया कि मुझे डीन ऑफिस में मैं जाना था, पर हाँ मैं बुक्स लेके नहीं आया था, पर मुझे अभी बुक सबमिट करनी लाइब्रेरी में। अभी मैं बुक्स निकालता हूँ जो लाइब्रेरी से ली थी, वो सबमिट करके आता हूँ। बाकी दोस्त का वेट कर रहा हूँ, बुक निकालते हैं फिर चलता हूँ लाइब्रेरी, डीन ऑफिस भी दिखा दूंगा। वैसे देख ही चुके हो पर कोई बात नहीं, आज फिर देख लेना। एक ये पेडियाट्रिक्स की बुक्स थी और एक मेरी कौन सी बुक थी, इन्होंने ली थी मेरी, देखनी पड़ेगी इनके पास ही होगी। हाँ ये एक मिनट, ये रही, अचार रख के बैठे ससुर बुक। तो ये दोनों बुक्स लेके चलता हूँ। तो गाइस अभी बुक्स वगैरह ले ली हैं दोस्त ने, उसने बैग में डाली हुई है, तो अभी चलते हैं। बाकी मैंने ये भी ले लिया जिसके अपनी जिससे पासपोर्ट वगैरह लेना, वो लेते हैं तो देखते हैं। ये अपने डीन ऑफिस है तो अभी तो पहले बुक सबमिट कराऊंगा फिर चलते हैं अंदर। घंटो इतनी ऊपर कौन रहता लाइब्रेरी यार। तो अभी पहुँच गए हैं पर थक गए हैं, बुक बाद में सबमिट करा के पहले थोड़ा सांस ले लेते हैं। लाइब्रेरी सामने लाइब्रेरी है, यहाँ पर बुक सबमिट कराते हैं, ये बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अभी तो अंदर मीटिंग चल रही है, तो अभी हमसे पासपोर्ट लेने जा रहे हैं अमेरिका, वो दोस्त बैठा हुआ है वो बुक्स वगैरह देख लेगा। अंदर मीटिंग चल रही है तो क्या कर सकते हैं, तो अभी पहले पासपोर्ट ले लेते हैं। नीचे जाना पड़ेगा फिर से, अब फिर चढ़ना पड़ेगा सर। हाँ पर पासपोर्ट मिलेगा, वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, पर पासपोर्ट यहाँ से लेके पासपोर्ट दिखाने का, पासपोर्ट लेते हैं फिर देखना मिलेगा कि नहीं। गाइस पासपोर्ट मिल चुका है, अच्छे से मिल गई है, बाकी एक्सपायर हो चुका था वो भी क्लियर हो गया। तो गाइस मैंने अपने बुक सबमिट करा दी है, बाकी जो साथ में आए थे उनको पता ही नहीं है कि लाइब्रेरी कार्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, और एक क्या कहते हैं लाइब्रेरी कार्ड ही लेके नहीं आया, बुक सबमिट नहीं होगी। तो जो लेने गए तो मैं अभी अकेले जा रहा हूँ वापस, तो चलते हैं वापस। बाकी पासपोर्ट भी मिल गया और बुक्स भी सबमिट हो गई हैं, अब तो सीधा रूम में जाऊंगा। तो गाइज अभी क्या कहते हैं गुमसुम जा रहे हैं, और वहाँ पर एप्पल्स की और बहुत सारी कंपनीज के फ़ोन्स भी हैं जो प्रोडक्ट हैं, तो आपको टोटल दिखाएंगे। और बल्कि गुम और सुम ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों रोड के ऐसे मतलब अपोजिट साइड में हैं, तो जो भी देखेंगे दिखाएंगे। तो चलते हैं। देखो वो कुत्ता आ गया। चला गया कि मार खा के निकलोगे?
दारू क्यों निकाल रहे हो तुम? दारू रखी है इसने यहाँ पे, हॉस्टल में दारू लेके घूम रहे हैं। बाहर निकले कंट्रोवर्सी मिल गई यहाँ पे, हॉस्टल में दारू है भाई, दारू हॉस्टल में, इसके बैग में से निकली है भाई, वैसे बड़ा इसके कबर्ड में से निकली है, वैसे बड़ा पता। तो गाइस अभी क्या कहते जा रहे हैं, गुमसुम, तो चलते हैं, पहले ट्रैम लेंगे, मुझे पता नहीं है कौन सी ट्रैम लेनी है, इसको पता है, तो देखते हैं, तो लेट्स गो। तो गाइस अभी ट्रैम पे बैठ चुके हैं और गुमसुम चलते हैं। तो गाइस स्टॉप आ चुका है, तो चलता हूँ गुमसुम का ये। तो गाइस ये गुमसुम है, तो यहाँ का सीन। तो गाइस ये जो है ये गुम है, ऊपर रशियन में लिखा हुआ है, और ये जो है वो सुम है। तो पहले तो सुम में चलते हैं, जो भी होगा देखते हैं, क्योंकि ये सुम जो एरिया है ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का है। सैमसंग के मॉल में जा रहे हैं क्योंकि कवर चाहिए बाहर को खोलना, तो चलो देखते हैं। ₹300 का कवर लग के फोन चमक रहा है, कैसा लग रहा है आप? फील कर रहा हूँ। तो गाइस कवर लगा लिया है, आप सीधा क्या कहते हैं सुम में चलते हैं, गुम का देख लेंगे, पहले तो सुम देख लें क्योंकि मॉल ही बहुत बड़ा है, ये मॉल देखो घूमना जाएंगे, तो चलते हैं। ये भाई साहब अपनी सुम में एंट्री हो चुकी है, ये सुम ही है ना। मैं भूल जाता हूँ हर बार, भाई कितना बड़ा मॉल है, तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो भाई अपने हेडफोन वगैरह देख रहा, तो अभी देखा था 2800 का, बाकी देखते हैं इनको पसंद आएगा तो लेंगे, बाकी हेडफोन पर चेक कर रहे हैं, बाकी इनके ऊपर है। तो इतनी मेहनत के बाद भाई को अभी भी पसंद नहीं आया हेडफोन, तो मेरा क्या जाता है, ना ले उसके पैसे। तो अभी तो ऊपर जा रहे हैं सेकंड फ्लोर, देखते हैं कैसी है, ट्राई करते हैं, नीचे तो देख लिया फोन पर चेक कर लिया सर। हिज ब्रदर इज़ फ्रॉम किर्गिस्तान एंड इज अ गुड गाय And okay. मैं एक्सलेटर पे था, ऊपर जा रहा था, तो भाई मिला तो कह रहा आर यू ब्लॉगर, मैंने कहा हाँ, तो कह रहा इफ यू डोंट माइंड तो मैं तुम्हें आपके साथ फोटो ले सकता हूँ, मैंने कहा यार श्योर, मैंने कहा पर मेरे सब्सक्राइबर नहीं, कह रहा हूँ आपके साथ वीडियो ले सकता हूँ, मैं कहा ओके, फिर मैंने वीडियो बनाई है, तो बंदा भी खुश हो गया, और मुझे यार ऐसे होते ना लाखों की फील होती है कि लाखों सब्सक्राइबर हैं, तो भाई साहब तो बंदा मिलने आता है, वो फील हुई यार आज, बड़ा अच्छा लगा यार 250 सब्सक्राइबर, वो भी किर्गिस्तान के बंदे मुझे मिल रहे हैं, जहाँ पर मारने के तुलते वहाँ आज मिल रहे हैं। बातें करते करते लड़कियों की जगह पे आ गए थे, पोपट हो जाता भी। जो सेकंड फ्लोर थी वो क्या कहते हैं गर्ल्स एरिया है, देख लो यार। तो भाई पोपट नहीं कराना, इज्जत हो जाए, बेइज्जती हो रही है। थर्ड फ्लोर पे चलते वहाँ पर देखते क्या है, वहाँ भी कुछ ना मिलेगा तो फिर घूम चलेंगे, देखते हैं। तो भाई फिर से पोपट हो चुका है, थर्ड फ्लोर भी गर्ल्स वाला एरिया निकला, तो क्या ही करें, अब लड़कियों के कपड़े तो खरीदने नहीं है, अब नीचे जा रहे हैं, नीचे देखते हैं क्योंकि सबसे नीचे ही इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप्स है, यहाँ पर आईफोन एप्पल आईफोन एक ही है, अभी मिलता है, चलते हैं। यह है नीचे का एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स हैं, तो चलो। तो गाइस अभी बाहर जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर है नहीं कुछ, ऊपर गर्ल्स एरिया और नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स का था, तो वो आपको मैंने देख के बता दिया, जो भी है स्पीकर वगैरह देखा था, हेडफोन देखे थे, नए ढंग के मिले नहीं लिए, पर यहाँ पर कि आईफोन वगैरह आपको अच्छे प्राइस में मिल जाता है, आईफोन हो गया, आईपैड हो गया, यहाँ तक कि हर कंपनी का मोबाइल मिल जाता है, वन प्लस का पूछोगे अब नहीं मिलेगा, वन प्लस का वो कहेंगे, पर एक ऐसा पॉइंट है कि अगर आप ढूंढोगे तो आपको वन प्लस का फ़ोन दिख जाएगा, पर उनको नहीं पता कि वन प्लस का मोबाइल है, इसलिए उसकी टेंशन नहीं है। तो अभी तो चलते हैं बाहर, तो आगे दूसरे मॉल में देखते हैं, वहाँ पर इन्जॉय करेंगे, और जब तक बाहर घूमेंगे और क्या कर सकते हैं। तो गाइस अभी क्या कहते हैं घूम से बाहर आए हैं, तो अभी कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद दूसरे मॉल में चलते हैं क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, थोड़ा गर्म तो हो जाए कॉफ़ी पी के। तो ये लिखा हुआ है सर कुछ कौन सा क्या है, तो अभी मिल्क टी का सोचा लेने का, अभी सोम की बाकी समोसे तो हैं, पर ससुरे मीट और चिकन वाले हैं। देखिए अधीन माला कुछ आए एक्स्ट्रा साकर ये देखो मिल्क टी कैसी मिलती है यहाँ पे। ये अपनी हॉट कोको या हॉट चॉकलेट जो भी मंगवाई है, आई फॉरगॉट। भाई यहाँ का क्या यार मज़ा है यार, ये देखो बिल्कुल मतलब डेकोरेटेड है हर, मतलब जहाँ पे खाली जगह मिली वहाँ कुछ ना कुछ बना रखा है, कहीं झूले लगा दिए, कहीं कुछ
अभी तो भाई अभी घूम जा रहे हैं दूसरे मॉल में, दूसरी साइड है, पर ये जो व्लॉग है ये अभी मैं एंड कर रहा हूँ, पर घूम का जो व्लॉग है वो न्यू व्लॉग शुरू करूँगा, क्योंकि ये बड़ा मॉल है। अभी एक मॉल दिखा दिया, कॉफ़ी दिखा दिया, अब दूसरे मॉल चलते हैं, वो उसका आपको अगले व्लॉग में दिख जाएगा। तो एंजॉय करना, और आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको न्यू व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।